हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एलन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में UPSI के प्रीवियस ईयर में मैथ्स से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज करवाऊँगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में टॉपिक वाइज में एक टाइम एंड वर्क से रिलेटेड UPSI में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन को हम एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा क्वेश्चन आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में यह है कि राम जो होता 16 दिनों में एक काम को पूरा करता है, लक्ष्मण को उसी काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लगते हैं, वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर जो होता राम छोड़ देता है, और कितने दिन में लक्ष्मण शेष काम को पूरा कर देगा, यह दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया और हमें यही निकालना भी है। तो दोस्तों क्वेश्चन में यह कहता है कि राम एक काम को दिया गया राम को, और राम जो उस काम को 16 दिन में समाप्त कर देता है। फिर क्या होता है, लक्ष्मण जो होता है उसी काम को वह 20 दिन में समाप्त कर देता है। फिर क्या होता है कि दोस्तों राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर काम को 4 दिन तक काम करते हैं, और 4 दिन के बाद क्या होता है, राम जो होता काम को छोड़कर चला जाता है दोस्तों, और जो शेष काम बचता है लक्ष्मण उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, यही दोस्तों हमें निकालना है। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि राम जो होता है काम को 16 दिन में समाप्त करता है, और उसी काम को लक्ष्मण जो है दोस्तों 20 दिन में समाप्त करता है। दोस्तों अब क्या, दोस्तों इतना तो दिया है, अब हमें क्या करना है, कुल काम, अगर हम कुल काम को निकाल लेते हैं तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अब कुल काम तो दिया नहीं क्वेश्चन में, कुल काम को कैसे निकालना है तो आइए हम बता दें। दोस्तों कुल काम को निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो 16 और 20 दिया है इसकी सहायता से हम कुल काम को निकाल लेंगे। तो क्या करना है दोस्तों, हमें 16 और 20 का एलसीएम निकाल लेना है। दोस्तों हम मान के चलते आपको एलसीएम निकालना आता होगा। तो दोस्तों हम 16 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा वह 80 आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो 80 आए यह कुल काम निकल के आ गया। क्या है, यह कुल काम है। तो दोस्तों क्वेश्चन में यही कहता है कि राम जो होता 80 काम को 16 दिन में समाप्त करता है, और लक्ष्मण जो है 80 काम को 20 दिन में समाप्त करता है। अब दोस्तों क्या करना है, अब हमें करना है कि राम का एक दिन में कितना काम करता है इसको हम निकाल लेते हैं, फिर हम निकालेंगे लक्ष्मण एक दिन में कितना काम करेगा इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे, तो जब राम जो होता 16 दिन में 80 काम को समाप्त करता है तो एक दिन में कितना काम को समाप्त करेगा इसको हम निकालते हैं कैसे। तो क्या करना है कि 16 दिन में 80 काम को करता है तो 80 को हम 16 से भाग देंगे, 80 को 16 से भाग देंगे तो एक दिन में एक दिन का काम निकल कर आ जाएगा। एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब 80 को हम 16 से भाग देंगे तो यह क्या आ जाएगा, 5। तो राम जो एक दिन में 5 काम को समाप्त करता है दोस्तों। अब दोस्तों इसी तरीके से हम लक्ष्मण का एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो जब हम 80 को हम 20 से भाग देंगे, 80 को 20 से भाग देंगे तो लक्ष्मण का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 4 आ जाएगा। दोस्तों इतना हो गया, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों। तो जो एक दिन में राम जो होता 5 काम करता और लक्ष्मण एक दिन में 4 काम करता, यह क्या है, यह दोनों की कार्य क्षमता निकल के आ गई। राम की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, और लक्ष्मण की कार्य क्षमता कितनी है, 4। तो दोस्तों यह क्या है, कार्य क्षमता, जिसे यह निकल के आ गया कार्य क्षमता। अब दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि राम और लक्ष्मण साथ में दोनों साथ में 4 दिन तक काम करते हैं, 4 दिन के बाद राम काम को छोड़कर चला जाता। तो हम 4 दिन का काम निकाल लेते हैं कि राम और लक्ष्मण 4 दिन तक काम कितना किए हैं, भाई काम कितना किए हैं इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम राम और लक्ष्मण का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। एक दिन का काम तो हम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि राम ने एक दिन में 5 काम करता है और लक्ष्मण एक दिन में 4 काम करता है। तो राम और लक्ष्मण दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, या तो आप आसानी से निकालेंगे। तो यहाँ पर राम और लक्ष्मण का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह
वह कितना आ जाएगा? राम एक दिन में 5 काम करता और लक्ष्मण एक दिन में 4 काम करता। 5 और 4 को हम ऐड कर लेंगे तो राम और लक्ष्मण का एक दिन का जो काम हो जाएगा वह 9 काम करते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम को करते हैं, तो सॉरी 9 काम करते हैं, तो दोस्तों 4 दिन में कितना काम को करेंगे? तो दोस्तों राम और लक्ष्मण जो है 4 दिन में कितना काम को करते हैं, तो इसको निकालने के लिए 4 गुणे हम 9 कर लेंगे तो यह 36 काम हो जाएगा। राम और लक्ष्मण जो होता है 4 दिन में 36 काम को समाप्त कर देते हैं, दोनों मिलकर 4 दिन में 36 काम को करते हैं। अब दोस्तों कहानी क्या होती है? कहानी यह होती है कि राम जो होता है 4 दिन बाद काम को छोड़कर चला जाता। अब बेचारा लक्ष्मण जो बचता है, जो शेष काम बचता है, उसको समाप्त कितने दिन में करता है, यही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो जो जब राम जो होता है 4 दिन काम करने के बाद छोड़कर चला गया, तो शेष काम कितना बचा वह हम निकाल लेते हैं। तो 4 दिन में 36 काम करते हैं लेकिन काम कितना था 80, तो शेष काम कितना बचा ये हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो हम आइए आपको बताते हैं। तो शेष काम को निकालना है, शेष काम दोस्तों, शेष काम जो है कुल काम कितना 80, 4 दिन में राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर कितना काम किए 36, 36 को जब इसमें घटाएंगे कितना निकल के आएगा, यहाँ पर निकल आ जाएगा इसका 44 आ जाएगा दोस्तों। तो रिमेनिंग काम यह शेष काम बचा है। अब इस शेष काम को लक्ष्मण कितने दिन में समाप्त करता है, यही क्वेश्चन में निकालना है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जो है एक दिन में 4 काम, मतलब 4 काम को लक्ष्मण जो है एक दिन में समाप्त करता है, तो 44 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यही हमें निकालना है। जैसा कि दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को हम कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं, ऐकिक नियम जिसे बोलते थे। तो दोस्तों एक बार उस तरीके को हम आपको रिवाइज कर देते हैं कैसे निकालते थे। तो क्या था कि पहले यहाँ पे हम चूंकि लगाते थे और 4 काम को लक्ष्मण जो है एक दिन में समाप्त करता है काम को। अब क्या है क्वेश्चन में, 44 काम को करना, तो हम क्या करते थे कक्षा 5 में, एक काम को निकालते थे लक्ष्मण, 1/4 करते थे और 44 को हम इधर करते हैं, 44 काम को 44/4 करते हैं, तो ये क्या जाता है 11 दिन आ जाता है दोस्तों। तो यही रिमेनिंग काम को लक्ष्मण जो होता है 11 दिन में समाप्त कर लेगा। यह दोस्तों इतना प्रोसेस हमें नहीं करना है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते थे कि जब लक्ष्मण जो होता है 4 काम को एक दिन में समाप्त करता है, तो 44 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। 44 को आपको 4 से अगर आप भाग देते हैं तो आप यही पा जाते हैं 11 दिन। क्या है, 44 को आप 11 से डायरेक्ट आप भाग देते हैं तो 11 दिन निकल के आ जाता। तो लक्ष्मण जो है इस रिमेनिंग जो शेष काम बचा था वह 11 दिन में समाप्त करके चला जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में दोस्तों यह कहता है कि 8 पुरुष और 6 बच्चों द्वारा एक दिन में किया गया काम 6 पुरुष और 10 बच्चों द्वारा किए गए काम के बराबर है। अगर सभी को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है तो एक पुरुष एक लड़के प्रतिदिन मजदूरी का संबंधित अनुपात क्या है। इस क्वेश्चन में दोस्तों यह कहता है कि 8 पुरुष 6 बच्चे एक दिन में एक काम को समाप्त करते हैं और उसी सेम काम को 6 पुरुष 10 बच्चे एक दिन में काम को समाप्त, उनको जो सैलरी जो पेंशन मतलब मजदूरी जो दिया जाता है उनकी कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है, उनकी कैपेसिटी जितने एफिशिएंसी है उस हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है। तो दोस्तों हम लोग यह जानते होंगे हमें जो सैलरी जो पैसा मिलता है काम के बदले वे हमारी क्षमता के अनुसार ही मिलता है, क्षमता और हम कितने दिन तक काम किए उस हिसाब से हमें जो है मजदूरी पैसा मिलता है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो दोस्तों कंसेप्ट, दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों कंसेप्ट यह है कि आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों कंसेप्ट यह है कि दोस्तों जैसा कि ये सब लोग जानते होंगे आप लोग, तो इसमें जो होता है मजदूरी जो होती है, मजदूरी जो हमको मिलती है वह हमारी जो क्षमता होती है उस हिसाब से और हमने कितना दिन तक काम किया इस हिसाब से हमें जो है मजदूरी मिलती है। तो मजदूरी जो होती है वह क्षमता और गुणे
दिन पे इक्वल होते हैं। जितनी हमारी क्षमता होगी दोस्तों और जितने दिन तक हमने काम किया उसी हिसाब से हमें जो होता पैसा मजदूरी मिलता है। तो दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि मजदूरी दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्षमता के, हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। तो जितनी हमारी क्षमता होगी उतनी हमें मजदूरी मिलेगी। अगर हमारी क्षमता 3 है तो हमें मजदूरी कितना मिलेगा, 3 मिलेगा दोस्तों। अगर हमारी क्षमता 5 है दोस्तों तो मजदूरी हमें कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। अगर दोस्तों हमारी क्षमता जो है 10 है तो हमें मजदूरी कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, अगर एक दिन में काम करते हैं तो। ये बात हो गई, तो क्षमता जो है इस हिसाब से इतना हो गया। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है कि 8 पुरुष 6 बच्चों द्वारा एक दिन में किया गया काम 6 पुरुष और 10 बच्चों द्वारा किए गए काम के बराबर। मतलब जो होता है एक काम है मतलब मान लेते हैं एक जो है इतना बड़ा लड्डू दिया गया है, इतना बड़ा लड्डू है, इस लड्डू को ये मान लेते हैं काम है, क्या है, लड्डू है, ये है काम, कुल काम है दोस्तों। इस काम को जो होता है, इस लड्डू को मान लेते हैं 8 पुरुष का हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं मैन, 8 यम और 6 बॉय इस लड्डू को जो होता है एक दिन में, कितने दिन में, 1 डे में, एक दिन में फिनिश करते हैं इसी लड्डू को दोस्तों। अब इसी लड्डू को कहता है कि 6 पुरुष 10 बच्चों द्वारा एक दिन में समाप्त कर दिया जाता है। अब इसी लड्डू के क्या होता है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन में, 6 पुरुष 6 मैन 10 बच्चे इसी लड्डू को एक दिन में समाप्त कर देते हैं दोस्तों। सेम लड्डू को 6 मैन 10 बच्चे एक दिन में समाप्त करते, मतलब कहने का मतलब है काम जो होता है सेम है, एक दिन में जो होता है लड्डू को, इतने बड़े लड्डू को 8 मैन 6 बच्चे खाते हैं, इतने बड़े लड्डू को 6 मैन 10 बच्चे एक दिन में समाप्त करते, इतना आप लोग समझ गए। तो क्या करेंगे, दोनों को हम काम को बराबर कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्या करते हैं हम क्वेश्चन को, यहाँ पर काम जब बराबर तो दोस्तों 8 मैन प्लस 6 बॉय का एक दिन का काम इक्वल कर देंगे 6 मैन 10 बॉय एक दिन का काम दोस्तों। ये इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये मैंने इक्वल क्यों किया, क्योंकि काम जो होता है दोनों का बराबर, दोनों काम जो होता है सेम काम करते हैं, सेम लड्डू को कहते हैं, तो दोनों का काम बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक दिन तो आप लोग जानते होंगे ये कट जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है, यहाँ पर 8 मैन यहाँ पर 6 मैन, या दोस्तों आप इसको यहाँ पर लेके चले जाए या इसको यहाँ पर लेके चले जाए। तो 8 यम को हम इधर लेके आ जाते हैं, 8 यम को इधर लेके आएंगे तो 8 यम माइनस 6 यम हो जाएगा, और जब 6 बॉय को और 10 बॉय के मतलब 6 बॉय के इस साइड में लेके आएंगे तो इक्वल रहेगा ही, 10 बॉय माइनस 6 बॉय हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट मतलब घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 यम में 6 यम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 यम आ जाएगा दोस्तों, और 10 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा, 4 बॉय हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना है हमें, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे 2 से तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो मैन और बॉय का जो रेशियो आ जाएगा 2:1:1 आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया रेशियो दोस्तों आ गया। ये जो रेशियो आया है दोस्तों यह क्या है, यह मजदूरी नहीं है दोस्तों, यह जो है दोनों को रेशियो जो है इफिशियंसी है, क्षमता का रेशियो है दोस्तों, ये क्षमता का रेशियो है दोनों। अगर क्वेश्चन ने पूछा दोनों की क्षमता का अनुपात कितना होगा तो दोस्तों यही हो जाता आंसर। अब जब क्षमता मैन और बॉय का, एक आदमी एक लड़के की जो क्षमता का रेशियो 2:1 है, तो क्वेश्चन में क्या दोस्तों पूछा है, मजदूरी का अनुपात कितना होगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया है कि मजदूरी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्षमता के, जितनी हमारी क्षमता होगी उसी हिसाब से हमें मजदूरी मिलेगा दोस्तों। तो बी कैन से दैट हम कह सकते हैं दोस्तों, तो मजदूरी का जो अगर क्षमता का रेशियो दोनों का 2:1 है तो मजदूरी का रेशियो यही होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैन और बॉय का मजदूरी का जो रेशियो आ जाएगा वह 2:1 हो जाएगा दोस्तों, यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होता है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों समझ आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन काम कराती है, लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि 3,000 रुपये और 3,060 रुपये थी। अगर 10 पुरुष 8 महिला सदस्यों ने पहले सप्ताह में काम किया है और 12 पुरुष 6 महिलाओं सदस्यों ने दूसरे सप्ताह में काम किया, तो क्रमशः प्रत्येक पुरुष महिला श्रमिक को भुगतान की गई रकम ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या है, एक कंपनी है, एक हफ्ते में 6 दिन तक वह काम कराती है और वह पहले हफ्ते में जो पुरुष मैन इसमें जो पहले हफ्ते में 10 पुरुष 8 महिलाएं ने काम किया और जब 10 पुरुष 8 महिलाएं पहले सप्ताह में काम करती हैं तो उन्हें जो है 3,000 रुपये दिया जाता है 6 दिन काम करने का। फिर क्या है, दूसरे सप्ताह में 12 पुरुष 6 महिलाएं ने काम किया, उन्हें जो है 6 दिन के लिए वह जो पैसा मिलता है 3,060 रुपये मिलता है। तो क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन यह दिया है कि एक कंपनी है, एक कंपनी दोस्तों अपने वर्कर को एक वीक में 6 दिन तक काम करवाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन में दिया है, कंपनी जो है अपने वर्करों से 6 दिन तक काम लेती है एक वीक में। तो क्या है कि पहले सप्ताह में जो काम करते हैं उन्हें जो है 3,000 रुपये 6 दिन का दिया जाता है। दोस्तों इतना आप लोगों को समझ आ गया, क्या है कि पहले सप्ताह में दोस्तों पहले सप्ताह में 6 दिन काम करने का जो मजदूरी जो दिया जाता है वह कितना है, पहले सप्ताह में 6 दिन काम करने का जो मिलता है उन्हें 3,000 रुपये मिलता है। तो 6 दिन पहले सप्ताह में 6 दिन काम करने का 3,000 रुपये उन्हें मिलता है। तो पहले सप्ताह में कौन कौन लोग काम करते हैं, पहले सप्ताह में 10 पुरुष 8 महिला ने काम किया, कितने लोग, 10 पुरुष 10 मैन 8 वुमेन ने 6 दिन तक काम किया। तो 6 दिन तक इन्होंने क्या किया, 6 दिन तक काम किया और 6 दिन काम करने के बाद इनको कितना मिलता है 3,000। दोस्तों ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दोस्तों। अब इक्वेशन को और हम सिंपल कर सकते हैं, क्या है कि ये जो 6 है इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 10 मैन 8 वुमेन का जो हो जाएगा वह एक दिन का जो हम एक दिन का हो जाएगा, एक दिन में कितना उनका पाते हैं, कितना मजदूरी पाते हैं एक दिन काम करने का, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 6×5=30 आ जाएगा यहाँ 6 से, तो यह 500 रुपया हो जाएगा। मतलब 10 आदमी 8 वुमेन एक दिन में अगर काम करते हैं तो उन्हें मजदूरी के रूप में 500 रुपया मिलता है कंपनी में। दोस्तों ये आपने आप लोगों को समझ आ गया दोस्तों। इसी तरीके से हम दूसरा भी करेंगे दोस्तों, क्या है कि दूसरे हफ्ते में जो 12 पुरुष 6 महिला सदस्यों ने दूसरे सप्ताह में काम किया, तो दूसरे सप्ताह में जब इतने लोगों ने 12 पुरुष 6 महिला ने काम किया तो उन्हें मजदूरी के रूप में 3,060 रुपये मिलता हुआ 6 दिन का मिलता है। तो दोस्तों दूसरे सप्ताह में 6 दिन काम करने का जो मिलता है वह 3,060 रुपये मिलता है दोस्तों। तो दूसरे सप्ताह में कितने लोग काम करते हैं, दूसरे सप्ताह में 12 पुरुष 6 महिला काम करते हैं, कितने दिन तक, 6 दिन तक काम करते हैं। तो कितना है, 12 मैन और 6 महिला 6 वुमेन यह जो है इतने लोग 6 दिन काम करते हैं और 6 दिन जब ये काम करते हैं तो उन्हें मजदूरी के रूप में 3,060 रुपये मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों हम 12 मैन 6 वुमेन का एक दिन में इनको दूसरे सप्ताह में काम करने का कितना रुपये मिलता है ये हम दोस्तों निकाल सकते हैं। इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 12 मैन और 6 वुमेन का एक दिन का जो सैलरी होगा, एक दिन की जो मजदूरी होगा वह हो जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद 6×5=30 इतना हो जाएगा। मतलब 12 मैन और 6 वुमेन जो है एक दिन काम करते हैं तो उन्हें 510 रुपये मिलता दूसरे सप्ताह में। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये दोस्तों पहला इक्वेशन हो जाएगा और दोस्तों यह दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। इतना आप लोगों को दोस्तों समझ आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों,
प्रत्येक पुरुष और महिला का श्रमिक को भुगतान की गई रकम ज्ञात, मतलब एक पुरुष और एक वोमेन को कितना रुपया मिलता है ये हमें निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग अब इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन वैल्यू है, तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हो गया 10 आदमी 8 वोमेन के एक दिन काम करने का उन्हें जो मजदूरी मिलती है 500 रुपये, और दूसरे सप्ताह में 12 आदमी 6 वोमेन जब काम करते हैं एक दिन उन्हें 510 रुपया मिलता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को डायरेक्ट तरीके से करना है तो आप लोग ऑप्शन पुटअप करके इसमें क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड आप लोग जानते होंगे, तो उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन को कम्प्लीट सॉल्व कैसे करना है दोस्तों। तो क्या है यहाँ पर 10 मैन और 8 वोमेन इक्वल टू एक दिन की जो मजदूरी तो मिलता है इन्हें 500 रुपये। फिर क्या है 12 मैन और 6 वोमेन को एक दिन काम करने का जो मिलता है वो पैसा 510 रुपये मिलता है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों हमें कि एक आदमी एक वोमेन का निकालना है। तो दोस्तों आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग जानते हो कक्षा 5 कक्षा 6 का क्वेश्चन अब हो गया दोस्तों। तो क्या करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर 8 वोमेन दिया है यहाँ पर 6, अब हम क्या करते हैं इसको बराबर करते हैं 8 वोमेन और 6 वोमेन को दोनों इक्वल करने के लिए हम 8 वोमेन में हम 6 से गुणा करते हैं और इसमें हम 8 से गुणा करेंगे तो यह भी 8 6 48, यह भी 8 6 48 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जब 8 6 48 हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा हम इसे सब्ट्रैक्ट घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो दोस्तों ये एक कट जाएगा दोस्तों, कट जाएगा ना इतना आप लोग जानते होंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यह 60 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 12 8 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 60 हो जाएगा और यहाँ पर 12 8 96 हो जाएगा। जब इसमें घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 60 30 90 प्लस 36 -36 मैन हो जाएगा दोस्तों, ये 36 मैन हो गया। और दोस्तों ये कितना हो जाएगा ये इसमें आप करेंगे गुणा तो ये 3000 हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अब इसको हम घटा लेंगे कितना आ जाएगा तो 3000 दोस्तों 8 10 इतना हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इतना हो जाएगा ये इतना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप माइनस माइनस तो कट ही जाएगा दोस्तों। अब हमें एक मैन का जो आ जाएगा इसको हम जब डिवाइड करेंगे 36 से दोस्तों तो कितने से कटेगा 3 6 18 3 1 मतलब यह 3, तो एक मैन को जो मिलता है मजदूरी के रूप में वह 30 रुपये मिलता दोस्तों। इतना आप लोगों को समझ आएगा दोस्तों, बस ये सॉल्व करना है तरीका, इतना लंबा नहीं दोस्तों, बस इसको कोई क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते आसानी से आप लोगों का आंसर निकल के आ जाता। अब क्या करना है हमें वोमेन का निकालना है, तो इसको वैल्यू जो आया है इसको किसी भी इक्वेशन में दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुटअप करके वैल्यू को निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसी इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो यहाँ पर 10 मैन तो 10 है और यहाँ पर 30 हो जाएगा दोस्तों, ये 8 वोमेन हो जाएगा ये इक्वल टू 500 हो जाएगा दोस्तों, इसमें गुणा करेंगे 300 हो जाएगा दोस्तों और ये कितना हो जाएगा 8 वोमेन और 500 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से 8 वोमेन घटाएंगे 500 में 300 हो जाएगा दोस्तों 200 हो जाएगा। तो एक वोमेन का कितना आ जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम 4 से 4 5 20 5 और 4 2 8 तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक मैन जो है उसको जो मजदूरी मिलती है वह 30 रुपये मिलता है और एक वोमेन को जो काम करने का जो सैलरी मिलता है वह 25 रुपये दोस्तों मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 30 25 वह ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में कुछ भी दोस्तों नहीं करना था, हमें सिर्फ दो इक्वेशन बनाना था। दो इक्वेशन बनाने के बाद दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व हो जाता है आपको उसका। ये तो सिंप्लीफिकेशन था, ये सब प्रोसेस आप लोग कक्षा 5 6 में ही पढ़े होंगे आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इजी था और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं UPSI 12 दिसंबर 2017 के एग्ज़ाम में, हाल ही में अभी जो UPSI 2017 का एग्ज़ाम हुआ था इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो दोस्तों आप चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में यह कह रहा है कि
क्वेश्चन 4, एक कार्यालय में काम करते हुए यंग व्यक्तियों का वह काम 60 दिनों में पूरा करते हैं। अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लाए गए हैं, वही काम को पूरा करने में 12 दिन कम लगेंगे। शुरुआत में वहां कितने लोग थे? क्वेश्चन में यह दिया गया कि यंग व्यक्ति थे, यंग व्यक्ति काम को 60 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब क्या हुआ कि यंग व्यक्ति जो थे ही, यंग व्यक्ति से 12 अतिरिक्त व्यक्ति को लाया गया। तो 12 अतिरिक्त व्यक्ति जब काम को लाया गया, उसी काम को करने, मतलब काम तो सेम है, एक काम था, इतना बड़ा लड्डू था, इस लड्डू को जो होता है यंग व्यक्ति 60 दिन में समाप्त कर देता है, यंग व्यक्ति थे। अब क्या इतने बड़े लड्डू को खाने के लिए यंग व्यक्ति थे ही 12 और व्यक्ति लगे, मतलब यंग प्लस 12 व्यक्ति हो गए। तो यंग प्लस 12 जो व्यक्ति है इतने बड़े लड्डू को अब जो है 12 दिन कम लेंगे, मतलब काम को पूरा करने में जो काम 60 दिन में पूरा करते थे यंग व्यक्ति, 12 अतिरिक्त व्यक्ति बढ़ने से काम को अब 12 दिन कम कर लेंगे, मतलब काम को 48 दिन में साल मतलब समाप्त कर लेंगे। जो काम यंग व्यक्ति 60 दिन में समाप्त करते थे, अब यंग प्लस 12 व्यक्ति आएंगे तो 12 दिन काम को समाप्त करने में 12 दिन कम लगता है, मतलब 48 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो हमें यहाँ पर प्रारंभ में, तो शुरुआत में वहाँ कितने लोग थे, मतलब यंग की वैल्यू में निकालना, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक लड्डू दिया गया, बहुत बड़ा लड्डू है ये, तो इस लड्डू को मान लेते हैं ये काम है था, ये क्या है, काम है दोस्तों, एक काम है, वर्क है। इसी काम को समाप्त करने के लिए, इस काम को जो है यंग व्यक्ति है, यंग व्यक्ति इस काम को जो है यंग व्यक्ति कितने दिन में, 60 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो यंग गुणे हम 60 करते हैं, यंग व्यक्ति इस यंग गुणे 60 व्यक्ति, मतलब यंग गुणे 60 करते हैं तो काम टोटल हो जाता है ये लड्डू, मतलब यंग व्यक्ति जो होता है काम को 60 दिन में समाप्त कर लेते हैं। आप लोगों को समझ आ गया। तो अब क्या होता है कि 12 अतिरिक्त व्यक्ति आते हैं, यंग तो पहले ही थे, अब यंग में क्या होता है 12, यंग प्लस 12 अतिरिक्त व्यक्ति आ गए हैं। 12 अतिरिक्त व्यक्ति आ गए तो 12 दिन काम को, इस लड्डू को खाने में 12 दिन कम लगते हैं। जो काम खाने में 60 दिन लगते थे, अब 60 दिन से 12 दिन कम लगेंगे, मतलब यहाँ पर 60 दिन से कम मतलब 48 दिन में इस लड्डू को समाप्त कर लेते हैं, मतलब काम दोनों को बराबर है। अब काम इजी हो गया, अब यहाँ से आप यंग की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। क्या है काम, इस लड्डू को मान लेते हैं काम है, इस काम को यंग गुणे 60 मतलब यंग व्यक्ति 60 दिन में समाप्त कर लेता है। जब 12 आदमी आ जाते हैं, मतलब 12 व्यक्ति आ जाते हैं, तो काम को, इस लड्डू को खाने में 12 दिन कम लगते हैं, मतलब 48 दिन में समाप्त हो जाता है। जब दोस्तों काम इक्वल है, दोनों काम बराबर कर रहे हैं, तो हम काम को बराबर कर लेंगे दोस्तों। अब कैसे हिसाब करेंगे, तो यंग गुणे 60 कर लेंगे। अब काम बराबर है तो हम इक्वल कर लेंगे दोस्तों, कर लेंगे ना, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो यंग प्लस 12 गुणे 48 दिन में समाप्त कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। एक तरीका दोस्तों और है, आप यंग की वैल्यू पुटअप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कैसे, 12 5 60, 12 4 48 दोस्तों हो जाएगा, तो 5 यन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 यन हो जाएगा, और यह 48 हो जाएगा। अब इसको हम इधर लाएंगे तो यन हो जाएगा, यन इज़ इक्वल टू 48। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 48, मतलब प्रारंभ में जो थे वे 48 व्यक्ति थे, प्रारंभ में जो शुरुआत में जो व्यक्ति काम कर रहे थे कार्यालय में वह 48 व्यक्ति थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोगों का क्वेश्चन यह समझ आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को क्या कहता है, क्या दिया गया, उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक काम अकेला ए 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे अकेला 10 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं तो इसके लिए उन्हें प्रारंभिक रूप में 900 रुपये मिलते हैं।
इससे कर्मशः ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात करें और यह भी ज्ञात करें कि इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है। दोस्तों यह दिया कि ए जो है अकेला काम को 8 दिन में समाप्त कर लेता है और बी जो है उसी काम को अकेला 10 दिन में समाप्त कर लेता है, और जब दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उन्हें जो मजदूरी के रूप में 900 रुपया मिलता है। जो 900 रुपया मिलता है दोनों की कैपेसिटी क्षमता के अनुसार जो रुपया मिलता है। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है कि मजदूरी जो मिलता है, जो पैसा मिलता है, वह आपकी क्षमता और कितने दिन तक आपने काम किया उस हिसाब से आपको मजदूरी दोस्तों मिलती है। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों दिया है ए 8 दिन में पूरा कर सकता है एक काम को, मतलब दोस्तों दिया है कि ए जो है काम को 8 दिन में समाप्त करता अकेले, उसी काम को बी जो है दोस्तों उसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है दोस्तों, और उनको जो है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उन्हें 900 रुपये परिश्रमिक मजदूरी के रूप में मिलता है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया है था कि अगर हमें कुल काम मिल जाता तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, जैसे ही 8 दिन और 10 दिन दिखे हमें कुल काम निकाले, टोटल काम को निकाला। तो टोटल काम को निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग एलसीएम मेथड से निकालेंगे। तो 8 और 10 का हम एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो 8 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो आएगा वह कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा दोस्तों। ये जो 40 है वह क्या हो जाएगा, कुल काम है दोस्तों। ये दोस्तों क्या आ जाएगा, कुल काम दोस्तों। अब क्या है हम ए का एक दिन में कितना काम करता है इसको निकाल लेंगे। जब ए जो है 8 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में हम निकाल सकते हैं 40 को हम 8 से भाग देंगे, 40 को 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब हम 40 इसी तरह बी को निकालेंगे, बी जो होता है 10 दिन में 40 काम करता है तो 40 से 10 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में हम 40 को 10 से भाग देंगे तो एक दिन में कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा 10 चौक 40, 40 का मतलब 4 आ जाएगा। तो ए जो है एक दिन में 5 काम करता है और बी जो है एक दिन में 4 काम। और मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों को यह जो आया है यह क्या है, यह कार्य क्षमता है दोस्तों। ए की जो कार्य क्षमता है वह 5 है और बी की जो कार्य क्षमता है वह 4 है दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन में कहता है कि अगर वे दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करते हैं दोस्तों, अगर दोनों मिलकर काम को पूरा करते हैं तो दोनों की जो क्षमता हो जाएगी एक दिन की वह कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। तो दोनों की जो क्षमता हो जाएगी दोस्तों एक दिन की वह कितनी हो जाएगी, 5 + 4 कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो दोनों की जो क्षमता हो जाएगी वह 9 हो जाएगी। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, इसके लिए उन्हें परिश्रम, मतलब दोनों मिलकर काम को करते हैं तो उन्हें जो है परिश्रम मजदूरी के रूप में 900 रुपये मिलता है, मतलब जो है वह जो मजदूरी मिलता है उनकी क्षमता के अनुसार मिलता है मजदूरी। तो ए और बी के एक दिन की जो क्षमता वह 9 है, तो उनको मजदूरी कितना मिलता है, दोस्तों मजदूरी जो मिलता है मानी परिश्रम के रूप में कितना मिलता है, वह 900 रुपये मिलता है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जो मजदूरी है वह दोस्तों क्षमता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, होता कि नहीं दोस्तों, होता है ना दोस्तों, मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, मजदूरी 900 है और क्षमता जो है, क्षमता यहाँ पर 9 है तो हम लिख सकते हैं 9 क्षमता के हिसाब से इन्हें जो मजदूरी मिलती है 900 रुपये मिलती है, तो एक आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा। यहाँ से हम अब निकाल सकते हैं, अब निकालना है क्या, ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात, मतलब ए को कितना सैलरी मिलता और बी को कितना मजदूरी मिलता है निकाल। तो ए के एक दिन की 5 मतलब ए की जो कार्य क्षमता है 5 है, तो 5 जब ए इक्वल टू 100 है तो हम 5 इक्वल टू निकाल सकते हैं कितना, 5 × 100 यहाँ पर आ जाएगा 500। तो यह क्या आ जाएगा, ए की
एक को जो पैसा मिलता है 500 रुपये दोस्तों मिलता है। इसी तरीके से हम बी का भी निकाल लेंगे। बी की जो कार्य क्षमता है 4 है, तो कार्य क्षमता जब ए इक्वल टू 100 है तो 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 400, 400 गुणे 100 इक्वल टू 400। ये क्या है, बी को 400 रुपये काम करने को इंडिविजुअल रूप में मिलते हैं दोस्तों। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों यह भी कहता है कि इस काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे। अगर दोनों मिलकर काम को समाप्त करते हैं तो इस काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे, यह भी निकालना। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों मिलकर 9 काम को एक दिन में समाप्त करते हैं, तो 40 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, मैंने आप लोगों को चूंकि कंसेप्ट एक नियम से कक्षा 5 के हिसाब से आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो मैंने आप लोगों को अब उस तरीके से नहीं बताऊंगा, आप लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या है, जब ए और बी जो होता है 9 काम को एक दिन में काम करते हैं तो 40 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 40 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 40 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 4 सही 4/9 दिन में काम जो होता समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है ए में 40/, तो काम जो समाप्त हो जाएगा वह दोस्तों 40/9 दिन में काम जो होता समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो दोस्तों ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आप दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोस्तों। आज इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।